दिन भर बाद मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शुक्ला, आइए ले चलती हूँ आपको आज दिन भर की बड़ी खबरों की। कानपुर रेलवे मार्ग पर दोहरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है, जल्दी ही इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। आज दिल्ली से आए रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रेलवे स्टेशन ओरई के साथ साथ झांसी कानपुर रेलवे मार्ग पर चल रहे दोहरीकरण के कार्य का निरीक्षण किया और दोहरीकरण के काम को जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई है। बता दें कि रेलवे की कार्यदायी संस्था RBNL के दिल्ली के से निरीक्षण करने आए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग गुप्ता ने आज उरई स्टेशन पहुंचकर वहां पर चल रहे दोहरीकरण के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उरई स्टेशन एक मॉडल स्टेशन है, इसलिए यहां की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और सबसे ज्यादा काम इस स्टेशन पर किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रैक का कार्य 4 चरणों में किया जा रहा है और मार्च 2021 तक तीसरे चरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि ये ट्रैक काफी महत्वपूर्ण है। सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट होने के नाते इस पर काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है। रेलवे लोगों को ज्यादा सुविधाएं देना चाहता था और ट्रैक का निर्माण पूरा होने से ट्रेनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे रेवेन्यू की नजर से रेलवे को भी मुनाफा होगा। रेलवे में आप किस? मैं रेल विकास निगम लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट के पद पर हूँ। झांसी कानपुर रेलखंड का आपने आज निरीक्षण किया, इस निरीक्षण में क्या पाया? नहीं, हमारे यहाँ पर बहुत से काम चल रहे हैं और आप लोगों को मालूम होगा झांसी कानपुर जो है खंड बहुत इंपॉर्टेंट खंड है, इसलिए यहाँ पर डबलिंग सेंक्शन हुई थी और ये सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में है, तो इसको काफ़ी क्लोजली इसकी प्रोग्रेस मॉनिटर की जा रही है और इस सेक्शन को हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। इसमें इस साल जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 सेक्शन जो है वो हम ख़त्म कर दें, जो है उन्हीं कार्यों की निरीक्षण के लिए और उनकी गति कैसे और बढ़ाई जाए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो मार्च तक हम खत्म कर सके, जो उसको देखने के लिए हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सारी हमारी टीम है और ये हमारी टीम जो है वो लगातार दिन रात काम कर रही है। इसके साथ हमें डिवीज़न जो है, ये आपको मालूम होगा सेक्शन जो है झांसी डिवीज़न में, वहाँ से हम लोग लगातार DRM से ADRM से और अदर ब्रांच ऑफिसर लाइक सीनियर DM कोऑर्डिनेशन, सीनियर DCM, सीनियर DST, सीनियर DTRD, उन सबसे हम लोग लगातार जो है वार्ता करते रहते हैं और वो पूरा सहयोग और पूरा हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके और इस कार्य का जो ख़त्म होने से जो है जो पूरी ट्रैफिक की जो है हमें गति बढ़ाई जा सके। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अगर संख्या ट्रेनों की संख्या बढ़ानी वो ज़रूरत के हिसाब से देखा जाएगा, उससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी हम इस कार्य को कर सकें और पब्लिक को और सारे उसको रेवेन्यू को रेलवे रेवेन्यू को सबको फायदा हो सके। कब तक सर ये पूरा कर लिया जाएगा? हमारा अभी इसको कार्य करने का अभी तो लक्ष्य हमारा दिसंबर 2021 है। हम उस कार्य को अभी तो हम दिसंबर 2021 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और उसी में हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे सेक्शन को दिसंबर 2021 तक। निरीक्षण में किसी प्रकार की खामियां कुछ नहीं? खामियां तो नहीं, ये हमारी टीम बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो है जो अभी यहाँ पर हमारे ऑफिसर हैं मिस्टर कमल तलेजा, वो CPM है, उसके साथ उनके सहयोगी हैं मिस्टर प्रियांक गुप्ता, मिस्टर विनीत, मिस्टर अजीत, ये सब लोग बहुत मतलब सुलझे हुए और बहुत मतलब इन लोगों काफ़ी एक्सपीरियंस है, इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। सर अधिकारियों के साथ बैठक भी की, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए? नहीं, हमने उस कार्य को हमने ये बैठ के देखा कि अगर सारे जो अलग डिपार्टमेंट है, सिग्नल का डिपार्टमेंट है, OHE का है जो ओवरहेड वायर होती है और सिविल का डिपार्टमेंट है जिसमें कि ट्रैक लिंकिंग वगैरह भी, तो उस तरह को किस तरह से काम से किया जाए आपस में मिलके जो है आइडेंटिफाई करके कि हम अब उस लेवल पे आ गए कि हम लोग डेली हम लोग चार्ट बनाएंगे डेली हमें क्या काम करना है। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।